दोस्तों, आप सभी ने पिछले वीडियो में कमेंट करके पूछा था कि बहुत सारे विद्यार्थी युवाओं ने कमेंट करके पूछा था कि सर, छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें या फिर एडीओ की। एडीओ का फुल फॉर्म होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, साथ ही छात्रावास अधीक्षक। इन दोनों में से बेहतर कौन है, इसमें कौन से तैयारी करें? और इससे दोनों को बताने से पहले एक जरूरी सूचना है कि आप सभी के लिए देखिए, यहाँ पर 58% आरक्षण के बाद बहुत सारी वैकेंसियाँ निकलने के लिए तैयार हो चुकी है। अब यानी कि सिलसिला चालू हो चुका है व्यापम पीएससी में। जैसे कि हाल ही में अभी शिक्षक भर्ती का वैकेंसी निकल कर आया है। ये पदों के बारे में बात करें तो 12,489 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है शिक्षक भर्ती सहायक के लिए, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो हाल ही में अभी प्रशिक्षण अधिकारी का भी वैकेंसी निकल कर आपको सामने देखने को मिल रहा है, जिसमें 366 पदों पर बम्पर वैकेंसी निकल कर आई है, जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन करना है 8/5/2023 यानी कि 8 जून से आपको करना है, ठीक है। एक मिनट ना, 8 मई से, ठीक है, 8 मई 2023 से आपका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ हो चुका है 8/5/2023 से। और शिक्षक भर्ती के बारे में बात करें तो 12,489 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकल कर आई है 6/5/2023 से आप लोग ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा देरी न करते हुए जाइएगा, जल्दी से आप लोग आवेदन कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एडीओ और सहायक विकास विस्तार अधिकारी के बारे में, तो इसमें बेहतर कौन सा है, आपको तैयारी कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ छात्रावास अधीक्षक की, उसके बाद मैं एडीओ के बारे में बताऊँगा। एडीओ का होता है सहायक विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर छात्रावास अधीक्षक के बारे में बात करें तो जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि छात्रावास अधीक्षक में टोटल 150 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें 150 प्रश्न आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर सिलेबस जैसे कि स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि कंप्यूटर का आपका 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद मैं आपको एडीओ के बारे में बताऊंगा, ठीक है, वाइस आपको बताने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले छात्रावास अधीक्षक में आपका कंप्यूटर का 50 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें आपको 25 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर आप 25 नंबर नहीं लाते हैं तो आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा, आप पेपर में फेल हो जाएंगे। चाहे आप हिंदी, इंग्लिश, गणित में पूरे पूरे नंबर ला लीजिएगा, फिर भी आपका OMR सीट चेक नहीं किया जाएगा। जब तक आप कंप्यूटर में पास नहीं हो गए, आपका पेपर चेक नहीं होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि छात्रावास अधीक्षक का सिलेबस ध्यान से समझिएगा। छात्रावास अधीक्षक में कंप्यूटर में टोटल 50 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, 25 नंबर लाना अनिवार्य है। इसीलिए आप लोग अच्छे से कंप्यूटर की तैयारी कीजिएगा, कम से कम 40 से 45 नंबर लाइएगा। अब बात करते हैं हिंदी में, तो हिंदी सभी एग्जाम में पूछा जाता है, 5 से 10 नंबर, 15 नंबर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसमें हिंदी के 10 नंबर आएंगे छात्रावास अधीक्षक में, उसी प्रकार आपका अंग्रेजी में आएगा 10 नंबर, उसी प्रकार गणित में 20 नंबर आएगा। याद रखिएगा, गणित में 20 नंबर प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद आपका सामान्य ज्ञान 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ी के यानी कि छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान से आपका 20 नंबर पूछा जाएगा, करंट अफेयर से आपका 20 नंबर पूछा जाएगा, यानी कि टोटल आपका 150 नंबर पूछा जाएगा। उसी प्रकार एडीओ का सिलेबस देख लीजिएगा, जो एडीओ का सिलेबस है सहायक विकास विस्तार अधिकारी का, उसमें सामान्य ज्ञान से आपका 30 नंबर रहने वाला है, आजीविका से आपका 30 नंबर रहने वाला है, पंचायती राज व्यवस्था से आपका 30 नंबर रहने वाला है, उसी प्रकार आपको ग्रामीण विकास की फैक्सिंग योजनाओं से आपका 30 नंबर रहने वाला है, उसी प्रकार हिंदी से आपका 30 नंबर रहने वाला है। यानी कि उसमें भी टोटल आपका 150 नंबर का प्रश्न होगा, 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, उसमें 150 नंबर आएंगे। समय भी वही है, तैयारी भी वही करना है आपको, बस आपको दोनों में से कौन सा सेलेक्ट लेना है ये आपको मैं आपको बता रहा हूँ, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम छात्रावास अधीक्षक के बारे में बात करें तो कंप्यूटर का 50 नंबर पूछा जा रहा है, उसमें प्लस पॉइंट है। उसके बाद गणित में 20 नंबर का पूछा जाएगा, प्लस पॉइंट है। सामान्य ज्ञान देखिए, दोनों में क्या है कि देखिए, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान उसमें भी पूछा जाएगा, भारत का सामान्य ज्ञान भी उसमें पूछा जाएगा। लेकिन क्या है इसमें कि देखिए, एडीओ में पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लेक्सिंग योजनाएं और यहाँ पर आजीविका, ये जो तीनों सब्जेक्ट है 90 नंबर का आ रहा है, यानी कि 30-30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। अगर विद्यार्थी उसमें कमजोर है, अगर आप लोग पंचायती राज व्यवस्था, ग्रामीण विकास की फ्लेक्सिंग योजनाएं पर अच्छे से आपकी पकड़ है, तो आप एडीओ की तैयारी करें। अगर आपको कंप्यूटर, गणित और सामान्य ज्ञान में अच्छे से तैयारी है, तो आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें। मैं यही बता रहा हूँ, दोनों में से बेहतर कौन है।
अगर आपको अच्छी जिसमें भी पकड़ है आप अच्छे से तैयारी कर एक एक चुने, एडियो चुनो या फिर छात्र औसत शिक्षा, दोनों बेहतर है। लेकिन अगर तैयारी कर सकते हैं तो दोनों की कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले कॉमन बात यह है कि दोनों में सामान्य ज्ञान, उसके बाद हिंदी, दोनों कॉमन है, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, याद रखना एडियो में विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि भारत का, ठीक है। उसमें भारत का संविधान बस पूछा जाएगा, इतिहास वगैरह नहीं पूछा जाएगा। इसीलिए कह रहा हूँ कि देखिए एडियो में आपका 30-30 नंबर का, जैसे आजीविका हो गया, पंचायती राज व्यवस्था हो गया, ग्रामीण विकास की फ्लैक्सिंग, ये तीनों ही सब्जेक्ट बिल्कुल अलग है छात्रावास से। और छात्रावास अधीक्षक में आपका सामान्य ज्ञान, करेंट अफेयर, अंग्रेजी, हिंदी, कंप्यूटर और गणित, अगर आपको अच्छी सी पकड़ है तो आप छात्रावास अधीक्षक की तैयारी करें या फिर एडियो की, ठीक है। और एडियो में जो पहले से जिसका जो प्लस पॉइंट है उसको ही नंबर मिलेगा। तो आप लोग बेहतर ये रखिएगा कि छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कीजिएगा, ठीक है। जिसको अच्छी जम जाती है गणित वगैरह, कंप्यूटर वगैरह, आपका अंग्रेजी हिंदी ये सब है ना, 10-10 नंबर में पूछा जा रहा है, लेकिन गणित आपको 20 नंबर का पूछा जाएगा, रीजनिंग नहीं पूछा जा रहा है इसमें, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा छात्रावास अधीक्षक की, इससे बेहतर है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। और जो नया सिलेबस आपको ग्रामीण विकास, पंचायती राज व्यवस्था, इसमें 30-30 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, आपको डिटेल पढ़ना पड़ेगा, तो इससे बेहतर है आप लोग छात्रावास अधीक्षक की तैयारी कर सकते हैं मेरे हिसाब से। या फिर अगर एडियो में आप लोग की अच्छा पकड़ है तो एडियो की तैयारी करें, ठीक है। आपको मैं आपको पूरा सिलेबस दोनों समझा दिया हूँ, कोई भी आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से, लेकिन आर या पार करना ही है ना। मैं यही कह रहा हूँ कि बहुत सालों से जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो इस बार लगन लगाइएगा और अच्छे से तैयारी कीजिएगा, मेहनत कीजिएगा। मेरे तरफ से बेस्ट प्लक है। और हमारे चैनल पर 5 मई से प्रारंभ किया गया था बिल्कुल नए सिरे से, अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है, रिकॉर्डेड जो क्लास होती है आपका हमारे 7:30 से 9:30 बजे रात को अपलोड की जाती है। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं तो मैं ऑब्जेक्टिव के तौर पर क्लास कराया जाता हूँ, ठीक है, ना कि डिटेल में। देखिए जितने भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं व्यापम पीएससी में, जो बार बार विगत वर्षों से प्रश्न आए हुए होते हैं, उसको मैं सेटिस्फाई करके आपको क्लास रिकॉर्डेड अपलोड किया जाता है। अगर आप लोग तैयारी ही करना चाहते हैं व्यापम पीएससी जैसे छात्रावास अधीक्षक, एडियो या अमीन पटवारी या आने वाले छत्तीसगढ़ में भर्तियों की तैयारी करना चाहते हैं, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ ही आप लोग जिस भी व्यापम पीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, अगर किसकी तैयारी करना है या नहीं, आप बता सकते हैं हमारे चैनल पर, कमेंट करके बताइएगा जरूर। और साथ ही अपना नाम जरूर लिखिएगा वहाँ पर और कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर आपको दिक्कत आ रहा है, सिलेबस कैसे तैयारी करना है, कहाँ से कैसे पढ़ना है, पूरी जानकारी मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए एक और वीडियो लेकर आऊँगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और मैं सबसे पहले बात करूं, देखिए छात्रावास अधीक्षक एडियो के बारे में आपको बता दिया हूं, इससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें 12,489 पदों पर वैकेंसी निकल कर आई है, तो जल्दी से जाइएगा फॉर्म को भर लीजिएगा। साथ ही हाल ही में जस्ट अभी एक वैकेंसी निकल कर आई है प्रशिक्षण अधिकारी का, ठीक है, प्रशिक्षण अधिकारी का, जिसमें 366 पदों पर भर्ती वैकेंसी निकली है। जाइएगा 8/5/2023 से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।